आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना फ्रंटलाइनर्स चेहरे पर मास्क लगाए और पीपीई किट पहने अब्दुल भाई मालाबारी और उनकी टीम कब्र खोद रही है। ये कब्र सामान्य कब्र से कुछ ज्यादा ही गहरी है। इसमें कोरोना वायरस से मरे मुर्दों को दफन होना है। अब तक करीब 50,000 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करवा चुके सूरत के अब्दुल भाई इन दिनों कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ये काम उनके लिए आसान नहीं है। कोरोना में ही हम खुद रो देते हैं, वरना हम इतने कठिन दिल है कि रोजाना की करीबन 12 से 15 लाशें हम देखते हैं। अब्दुल उन अस्पतालों में जाते हैं जहां कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो वेंटिलेटर पर तड़प रहे हैं। आप यकीन मानिए, उनके पास भरपूर पैसा है, तमाम फैसिलिटीज है, लेकिन वो अपने लिए एक बेहतरीन सांस नहीं मांग सकते। जो लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं उनके अपने अंतिम सफर में उनके साथ नहीं होते। जिनको मालिक ने सब कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, सब सहूलतें दी, उसका कोई व्यक्ति मृत्यु होता है और उसके परिवार का कोई आदमी उसमें जुड़ नहीं पाता, तो उसके दर्द को, उसके चेहरे को देखकर हमें भी रोना आता है और हम मालिक से कहते हैं, मालिक अब हमें माफ कर दे, हम सब लाचार है मालिक, तो हमें माफ कर दे, अगर हमसे कोई कर्म में या कर्तव्य में कुछ भूल हुई तो हमें क्षमा कर दे। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दी है। अब तक 1,40,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। अंतिम संस्कार चुनौती बन गया है। लैटिन अमेरिकी देश इक्वाडोर में लाशें सड़क पर पड़ी हैं। न्यूयॉर्क में लाशें रखने के लिए अस्पतालों के बाहर रेफ्रिजरेटर ट्रक्स खड़े किए गए हैं। इटली में अंतिम संस्कार के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। भारत में भी अंतिम संस्कार के दौरान कई जगह विवाद हुआ है। अभी मेघालय में कोरोना से मरे एक चर्चित डॉक्टर के अंतिम संस्कार का स्थानीय लोगों ने विरोध कर दिया। कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रहे लोग बेहद चुनौतीपूर्ण हालात में काम कर रहे हैं। आज तक रेडियो के इस खास पॉडकास्ट सीरीज फ्रंटलाइनर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम कौशल और आज हम बात करेंगे सूरत के अब्दुल भाई मालाबारी से, जो कोरोना से मरने वालों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। मेरा नाम अब्दुल रहमान मालाबारी है। मैं गुजरात स्टेट के सूरत शहर का चौक बाजार में रहने वाला हूं और हमारा एकता ट्रस्ट सूरत शहर ही में लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने का सेवा कार्य कर रहा है। ये संस्था हमारी सूरत शहर में भरूच और वापी के बीच में आने वाले तमाम इलाकों में लावारिस इंसानों का मृत्यु होने पर उसके शव को पोस्टमार्टम रूम तक पहुँचाना और उसके बाद कोई इसके रिश्तेदार न मिल पाए, पुलिस की कार्यवाही के बाद उस लाश को, पार्थिव शरीर को, उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करना। इसी वजह से सूरत शहर में कोरोना 19 डिजास्टर के वक्त सूरत महानगर पालिका ने इस ट्रस्ट को इस काम के लिए जिम्मेदार बनाया है। अब्दुल जी, आप ये बताएं कि कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों का अंतिम संस्कार आप कैसे करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? कोरोना 19 के इस महामारी में सारवार के दौरान मृत होने वाले उस व्यक्ति को, जो जिस धर्म का होता है, उस धर्म के हिसाब से पहले तो उसे WHO की गाइडलाइन के अतबार से सैनिटाइज किया जाता है, प्लास्टिक कोटेज किया जाता है, उसके बाद उसको सील कर पैक करने के बाद, अब किसी व्यक्ति का धर्म हिंदू है तो उसके जो हिंदू विधि होती है, विधि विधान होती है, उस एतबार से उसका विधान करने के लिए उसके परिवार के एक दो सदस्य को दूसरी गाड़ी में बिठाकर हम लोग वहाँ अंतिम संस्कार तक ले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद उस डेड बॉडी को जलाने के लिए, अग्निदाह देने के लिए जब रखा जाता है, तब गैस के बटन को स्विच ऑन करने के लिए उसके परिवार के एक सदस्य को बुलाया जाता है और वो अग्निदाह देकर मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो, वो मुसलमान हो, तो उसके एक परिवार को बुलाया जाता है और उसके परिवार के जो लोग आना चाहते हो, 2 या 4 या 5 हो, तो उसको उनके धर्म के हिसाब से, जिसमें मुस्लिम धर्म में जैसा कि नमाज पढ़ी जाती है, कब्र में उतारने के बाद लोग दुआ करते हैं उसके पुण्य के लिए, उतनी उसे दूर खड़े रहकर उसको किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। जी अब्दुल जी, जब आप दफनाते हैं तो वो कब्र कितनी गहरी होती है?
असल कोरोना की कोरोना 19 में जो मृत मुसलमान होता है उसकी कब्र को डबल खोदी जाती है। जैसा आम दिनों में अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम मृत होता है तो उसकी कब्र का गड्ढा 4.5 या 5 फीट रहता है, लेकिन इसके गड्ढे को 12 फीट खोदा जाता है और उसके बाद उसके अंदर सैनिटाइजिंग पहले किया जाता है और डेड बॉडी रखने के बाद और आधी मिट्टी डालने के बाद फिर सैनिटाइजिंग किया जाता है और उसके बाद वापस जब वो मिट्टी पूरी भर जाए उसके बाद फिर एक मरतबा मतलब 3 मरतबा सैनिटाइजिंग होता है ताकि उस मिट्टी से वो सारे जो जर्म्स है वायरस है अगर हो तो खत्म हो जाए। अब्दुल जी ये बताइए कि अब तक कोरोना से मरने वाले कितने लोगों का आप अंतिम संस्कार कर चुके हैं? जी सूरत शहर में कोरोना पॉजिटिव में 5 लोगों का अंतिम संस्कार किया है और नेगेटिव में करीबन 13 लोगों का अंतिम संस्कार किया है। अब्दुल जी ये बताइए कि जो लोग कोरोना से मर रहे हैं उनके परिजन उनका अंतिम संस्कार करने या फिर उनकी लाश के पास आने से डरते हैं? नहीं नहीं बेचारे वो तो तड़पते हैं, लेकिन अब गाइडलाइन ऐसी बनी है WHO की यदि उनको करीब में जाने दिया तो उन्हें भी खतरा है संक्रमण में आने का, तो उन्हें बहुत प्यार से दूर रखा जाता है। वरना कौन चाहेगा मेरा खुद का परिवार का सदस्य ऐसे ही जल जाए या ऐसे ही दफन हो जाए। ये तो एक गाइडलाइन है और सरकार ने जो डराया है कि भाई जो हो सकता है कि आपको भी इसकी बीमारी लग सकती है, तो हमें उन्हें समझा कर उनके रोते हुए चेहरों को दूर रखकर ये काम करना पड़ता है। हमें भी सदमा लगता है लेकिन हम उनकी जान को बचाना हमारी प्राथमिकता होती है, प्रायोरिटी होती है और सरकार भी ये चाहती है कि भाई जो हो चुका है उसे तो हम बदल नहीं सकते, उसका देहांत हो चुका है लेकिन जो जिंदा है उनको बचाना हमारी पहली फर्ज है, तो इसलिए उनको दूर रखा जाता है। वरना परिवार का तो हर सदस्य चाहता है कि भाई मैं खुद आऊं और उसका अंतिम संस्कार करूं। अब्दुल जी ये बताइए कि जब आप कोरोना से मरने वालों की लाश को लेकर जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? बस महामारी का एक ये रहता है कि मालिक से मैं ऐसी बातें करता हूँ कि मालिक तूने पूरे विश्व को हला दिया, एक तेरी छोटी सी बीमारी हम सब लाचार है मालिक, तो हमें माफ कर दे, अगर हमसे कोई कर्म में या कर्तव्य में कुछ भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दे। हम अपने आप को बड़ा बलवान समझते हैं मालिक, लेकिन आज हमने देख लिया कि तेरा एक वायरस हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं समझता हूँ कि सुपर पावर तक भी घुटने टेक चुका है, जिंदा रहने की कोशिश हम कर सकते हैं लेकिन मौत से बचने के आज तक किसी में जिगर पैदा नहीं हुआ। मालिक तो हमें क्षमा कर दे और इसको आजाद कर ताकि हम सारे इंसान जो है और इंसानों के साथ वो तमाम पशु पक्षी जो और जानवर जो बेचारे तुझे बोल भी नहीं पाते उन तमाम के जीवन का निर्वाह अच्छा होता रहे। अब्दुल जी क्या आजकल आप अपने घर वालों से मिल पा रहे हैं? कहाँ रहते हैं? मैडम हमें स्ट्रिक्ट मना किया है सूरत महानगर पालिका ने कि हम अपने घर के परिवार से नहीं मिल सकते, हम लोग अभी ऑफिस पे ही सो जाते हैं और यहीं से कपड़े वगैरह सब हम लोग ने अरेंजमेंट कर लिया है, लूजर कपड़े पहनकर हमारा अपना गुजरान चला रहे हैं क्योंकि हम घर जाए तो शायद उनको ये चेप ना लग जाए, वो खतरा रहे। हमारा रोज सैनिटाइजिंग होता है, हमें दवाई दी जाती है, इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन परिवार के लोगों का तो नहीं होता है ना। ये बताइए कि आप उस वक्त खुद क्या सावधानी बरतते हैं? जी हमें WHO की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर आशीष नायक साहब ने डेमोन्स्ट्रेशन करके बताया, PPE किट दी जाती है और हमारी टीम में खुद 2 डॉक्टर है, डॉक्टर इमरान मुल्ला है और डॉक्टर सोलंकी है मैडम जो है, वो हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके बताती है कि PPE कैसे पहनना, पूरे शरीर को कैसे ढक देना और उसके बाद उसके पार्थिव शरीर को पैकिंग की प्रक्रिया में शुरू रहना और मास्क वगैरह का खास एहतियात रखा जाता है कि कहीं से भी कोई वायरस हमारे जिस्म के अंदर जाने ना पाए। और जैसे ही उसका अंतिम संस्कार हम खत्म कर लेते हैं, अग्निदाह करने जाते हैं, तब फौरन वो किट को उतार कर उसको अग्निदाह में जला देते हैं और अगर कब्रस्तान जाते हैं तो आधी कब्र भरने के बाद फौरन उस किट के सामान को कब्र में डालकर उसे वहीं दफन कर देते हैं। आप एक लंबे वक्त से अंतिम संस्कार कर रहे हैं अब्दुल जी, कोरोना महामारी के काल में ये काम कितना अलग लगता है आपको? मैडम वैसे तो हमारे लिए कोई ये चीज अलग ही नहीं लगती, लेकिन हाँ ये एक महामारी है, लोगों का दुख इससे जुड़ा हुआ है तो हमें भी थोड़ा दुख लगता है, वरना हम जो रोजाना की डीकम्पोज लाशें उठाते हैं उसके मुकाबले में तो कोरोना डेड बॉडी हमें कुछ भी नहीं लगती। बस ये गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ता है, जो कुछ पहनना है किट वगैरह PPE उससे थोड़ा शरीर भारी हो जाता है, चलने फिरने में या काम करने में थोड़ी अव्यवस्था हो जाती है, वरना इससे भी हम लोग हैवी बॉडी और डेड बॉडी जो पानी के अंदर हो जाती है डूब कर मरते हैं वो डीकम्पोज लाशें हम लोग निकालते ही रहते हैं। अब्दुल जी ये बताइए कि जैसा कि आप अंतिम संस्कार करते हैं और कोरोना की वजह से जो लोग मरते हैं उनका भी अंतिम संस्कार आप कर रहे हैं, तो क्या आसपास आपके जो लोग हैं उनका रवैया आपके प्रति कुछ बदला है?
नहीं, असल में क्या है कि हमारा जो मामला है, हमारे शहर के लोग या हमारे मोहल्ले के लोग पहले से ही जानते कि लाशों का ही काम करती है लोग। दूसरा ये कि इस महामारी के दौर में हम लोगों में अवेयरनेस लाते हैं, हमने इस महामारी को भय का स्थान नहीं बनाया है। हमने लोगों को ये कहा है कि भैया ये जो कोरोना वायरस है, आप इससे डरने की जरूरत नहीं है, आपको केयर लेने की जरूरत है। ये लोगों में इस बात का डर बैठ जाता है कि अगर हमें कोरोना लग गया तो हम बचेंगे ही नहीं। तो हम लोगों को इसके लिए बताते कि कोरोना पॉजिटिव कई लोग अच्छे होकर अपने घर पर वापस आ चुके हैं, बस कृपा मास्क लगाए, भीड़ भाड़ ना करें, अपने आप को घरों में रखें, बिन जरूरी बाहर ना निकले। ऐसी सब आज जो हमारे टीम के जो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं, हम जनता को अवेयरनेस करते कि यदि आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो भीड़ से बचे। दूसरा, अपने ऊपर मास्क अवश्य रखे चेहरे पर। तीसरा, हाथ में सॉक्स रखे अगर आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है तो। जैसे आप घर आते हैं तो पहली फुर्सत में हाथ को धोए, मास्क निकाल कर मुंह को धोए, हो सके तो मास्क को भी धो ले, और अपने घर में जाने से पहले अपने आप को खूब साफ कर ले ताकि परिवार के अन्य सदस्यों को इस बीमारी का लगने का खतरा ना हो। ये वायरस जो है जानलेवा नहीं है, लेकिन अगर इसे आपने ध्यान ना दिया तो ये वायरस अपने और जीवाणु को पैदा कर शरीर के अंदर एक ताकतवर दिशा में बन जाता है, और उसके बाद उस पेशेंट को सांस की तकलीफ होती है और वेंटी की जरूरत होती है। और आप जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि शहर में इतने वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं होते, इसलिए गवर्नमेंट हमें इस बात के लिए अवगत कराती है, चिंता जताती है कि भाई आप अपने आप को बचाएं। अब्दुल जी, सरकार की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिल रहा है? सरकार तो हमें हर समय सपोर्ट दे ही रही है, क्योंकि जब जब डिजास्टर हुआ है, 2000 का भूकंप हो, उसके बाद सुनामी की हो, चेन्नई की हो, उसके बाद केदारनाथ का गमखुआर हादसा हो, कश्मीर की रेल हो, बाढ़ हो, और हमारे सूरत शहर की बाढ़ हो, 1997 में हमने पहली मर्तबा साइक्लोन के वक्त काम करके बताया था मोरबी के अंदर। उसके बाद हमारी सूरत महानगर पालिका और गुजरात आरोग्य डिपार्टमेंट हमसे इतना मुत्तफिक है, हमसे इतना खुश है कि ऐसी बड़ी डिजास्टर के वक्त वो हमें फौरन याद करती है। जहाँ पर लाशों का ज्यादा होने का खतरा हो या इस बात का भय हो कि भाई डीकम्पोज लाशें निकल सकती है, तो उन लोग पहले हमारी मदद मांगते हैं और हम फौरन चले जाते हैं, क्योंकि हमें काम करने में हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, और हमें गर्व महसूस होता है कि चलो हमने हमारे शहर का नाम, हमारे राज्य का नाम रोशन किया। अब्दुल जी, एक बहुत लंबा अरसा हो गया जैसा कि आप बता रहे हैं, तो कुछ मोटा मोटा आपको याद है कि अभी तक आपने कितनी लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार किया होगा? मैं मानता हूँ वहाँ तक अभी तक लावारिस और गरीब लोगों का अंतिम संस्कार का फिगर जो है 50,000 के आसपास होगा। डिजास्टर यानी जो कुदरती और मानव सर्जित होनारतों में जो हमने कामगिरी की है वो सब मिलाकर 50 के आसपास होगा फिगर। आपकी फैमिली में कौन कौन है, और मतलब आपके बच्चों का क्या नजरिया रहता है, क्या कहते हैं वो आपसे? शुरू शुरू में तो परिवार वाले थोड़ा सहमते थे कि भाई आप ऐसा कैसा काम आपने ले लिया, लेकिन मेरे पिताजी बड़े खुश थे भाई अपना शरीर अपना जीवन अगर मानवियों के लिए काम आता है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे दो बड़े भाई है, वो अक्सर पिताजी से लड़ते थे कि पापा इनसे कहो कि धंधे में ध्यान दीजिए, क्या काम ले लिया इन्होंने। तो पापा कहते थे कि भाई आप दुनिया बनाते रहो, इसे आखिरत बना दो, यानी इसके स्वर्ग के दरवाजे इसके लिए आसान करने, तो ये हम सब के लिए भी राहत का जरिया बनेगा, ये हमारे लिए भी प्रभु से रिक्वेस्ट करेगा तो हम भी स्वर्ग में जाएंगे, तो आप लोग दुनिया बनाओ, उसे उस ऊपर वाले का काम करने दो। आज पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन मेरे दोनों भाई इस बात में मुझे कोऑपरेट करते रहते कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो उन्हें खुशी होती है। अब्दुल जी, आपको ये करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, आपने कब सोचा कि आपको ऐसा करना चाहिए, विचार कहाँ से आया मन में? एक्चुअली मैडम, ये जो है पहले 1992 में जो बहुत बड़ा फसाद हुआ था, उस वक्त मैं स्कूल के दौर में मैंने कुछ लाशें मोहल्ले के जो बड़े है उनके साथ जाके दफन करने का, अंतिम संस्कार करने का मुझे मौका मिला। उस वक्त मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक हिम्मत खुली, एक हादसा ऐसा बना कि सूरत शहर में एक मुस्लिम महिला जो सूरत के करीब कोसंबा गांव की रहने वाली थी, उसका नाम था सकीना बीबी और 58 इयर्स के आसपास की थी, उसे नई सिविल अस्पताल में उसका लड़का दाखिल कराने आया था। इत्तेफाक से उसको चंद दिन बाद HIV/AIDS बताया, वो लड़का घबरा कर भाग गया। उस वक्त HIV/AIDS बहुत बड़ी बीमारी कहलाती थी, सन 1994 की बात कर रहा हूँ। वो डर के भाग गया और उसके एक दो दिन बाद ही उसकी माता का इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गई। उसके करीबन 20 रोज तक सिविल अस्पताल वाले उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वो ना आया। आखिरकार जब बॉडी डीकम्पोज होने लगी,
वहाँ के सुपरिटेंडेंट आरएमओ जो है डॉक्टर पी के पटेल साहब, उन्होंने एक चांदिया अखबार में उसकी एक जाहिरात दी कि भाई मुस्लिम समाज के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस महिला की लाश का अंतिम संस्कार करे। ये सोचकर मैं बड़ा अचंभे में पड़ गया कि ये एक महीने तक भी लावारिस लाश रह सकती है। उसके बाद हमारे यहाँ सूरत शहर में एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी है सफी भाई बिस्मिल्ला होटल वाला, मैंने उनसे मुलाकात की क्योंकि उनका परिवार लावारिस मुस्लिमों के लिए कुछ मदद करता था। मैंने उनसे पूछा कि सफी जी, आपके परिवार से तो ये हमेशा मदद होती है, फिर ये लाश एक महीने से क्यों अटकी पड़ी है? तो उन्होंने कहा कि भैया हम पैसे की मदद कर सकते हैं, इस काम को करने वाला जो बंदा है वो पिछले एक महीने से बीमार है और छुट्टी पर है, आ ही नहीं रहा है। मैंने कहा अगर वो मर गया तो फिर इस काम को कौन करेगा? तो फिर कोई और बंदा आएगा तो उससे करवाएंगे। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम इसके लिए एक एनजीओ बनाए और ये काम हमेशा चलता रहे, आप मर जाए मैं मर जाऊं उसके बाद नए लड़के पैदा होते रहे और ये काम चालू रहे। तो बोला वेल एंड गुड, मैं तैयार हूँ। फिर वो डेड बॉडी का हम लोग ने डिस्पोजिंग किया, उसके बाद शहर के हिंदू मुस्लिम जो अच्छे लोग थे उनको जमा किया और उनके आगे प्रस्तावना रखी और सभी बहुत खुश हुए कि भाई क्या ये पॉसिबल है, ये काम हम हमेशा कर पाएंगे। मैंने कहा कोशिश शुरुआत तो करो, ये आगे का विकल्प मालिक बनाएगा अपने आप। और आज 3,000 सभी हमारे इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, यही काम को देख देख कर उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, कैसे मैयत निकाली जाती, डेड बॉडी कैसे जगह से उठानी चाहिए, पानी से कैसे लाश निकालनी चाहिए, अगर दरिया में लाश है तो उसको कैसे निकालनी चाहिए, अगर वो फांसा खा के मर रहा है तो उसको कैसे निकालनी चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को देते जा रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब्दुल जी, कोई वाक्या या कुछ ऐसा याद आता है जो अलग हो, जो आपके जहन में हमेशा के लिए बैठ गया हो? वाक्य तो ऐसे में काम करने के दौरान तो दुख के वाक्य तो बहुत आते हैं। ये कोरोना में ही हम खुद रो देते हैं, वरना हम इतने कठिन दिल है कि रोजाना की करीबन 12 से 15 लाशें हम देखते हैं, लेकिन वो लावारिस होती है। इसलिए हमारा काम होता है कि कर्म करना, उसको पहुंचाना अस्पताल तक, और उस वक्त हमें कुछ सदमा भी नहीं लगता है। लेकिन जब ये ऐसे लोग जिनको मालिक ने सब कुछ दिया है, पैसा भी दिया है, सब सहूलतें दी है, उसका कोई व्यक्ति मृत्यु होता है और उसके परिवार का कोई आदमी उसमें जुड़ नहीं पाता, तो उसके दर्द को, उसके चेहरे को देख कर हमें भी रोना आता है और हम मालिक से कहते हैं मालिक अब हमें माफ कर दे। हम जानते हैं तू चाहे तो किसी मालदार को नहीं पकड़ता, तू चाहे तो किसी ताकतवर को नहीं पकड़ता, हम पापी है मौला, हमारे कर्मों को ना देख, तेरी रहमत को देख, तेरा जो दिल है, जो नरम है, मोम है, उसको देख, बस हमें माफ कर दे और इसको देश को फिर से विकसित कर दे और पूरे विश्व को तू वापस विकसित कर दे। अब्दुल जी, आपको ये काम करने के लिए सरकार की तरफ से कोई आर्थिक मदद मिल रही है? हाँ, सभी मदद दे रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है, जनता भी मदद कर रही है। आज लोग काम को देखते हैं, काम अगर अच्छा हो तो कोऑपरेट करते हैं और हमें इतने पैसे की जरूरत होती है फौरन मिल ही जाते हैं, हमें ज्यादा की तो जरूरत रहती नहीं है। जब डेड बॉडीज आती है तो कफन चाहिए, इंसान को मरने वाले को चाहिए क्या मैडम? कफन चाहिए, उसे गाड़ी चाहिए और अंतिम संस्कार तक पहुंचाने का जरिया चाहिए, वो चीजें हम लोग से हो जाती है। और हम ज्यादा पैसे बैंक में जमा करना पसंद ही नहीं करते, ट्रस्ट में फिर ज्यादा पैसा हो तो लालच पैदा हो, क्योंकि ये काम फकीरी का काम है। आदमी जितना शांत रहकर कर सकेगा तो ये कर्म कर पाएगा। अच्छे कपड़े पहनने वाला तो लाश उठा नहीं सकता है, या बड़ा बिजनेसमैन आकर डेड बॉडी उठा नहीं सकता है। इसमें सब नीची कक्षा के लोगों को लेकर चलना होता है, तो मालिक करा रहा है, हमारे शहर की जनता अच्छी है और काम हो रहा है। अब्दुल जी, इस वक्त जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे? मैं तमाम लोगों से जो आपके रेडियो के माध्यम से या चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से सुनते हैं, मैं उन तमाम से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, प्लीज इस वायरस को हल्के में ना ले। आप यकीन मानिए, मैंने करीबन सूरत शहर में ही 150 से ऊपर, 130 से ऊपर ऐसे पेशेंट देखे हैं जो वेंटिलेटर पर तड़प रहे हैं। आप यकीन मानिए, उनके पास भरपूर पैसा है, तमाम फैसिलिटीज है, लेकिन वो अपने लिए एक बेहतरीन सांस नहीं मांग सकते। ये वो लोग हैं जो लोग घूमने में एक दूसरे के संक्रमण में आए और करीबन मैं समझता हूँ 1200 से ऊपर लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। आप लोगों को जो सरकार हिदायत दे रही है वो उसके मन से नहीं दे रही है, बल्कि डॉक्टरी लाइन से जो उन्हें कहा जाता है उसी पे वो आपको कह रही है कि प्लीज दूरी बनाए रखे, बगैर जरूरत के कोई भी काम के लिए आप बाहर ना निकले। जितना लॉकडाउन का आप पालन करोगे उतना जल्दी आपका शहर या आपका इलाका मुक्त होगा और आप आजादी से घूम सकेंगे। देखिए कि वायरस जो है किसी के छोड़ने से नहीं आता है, लेकिन जो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं उसे खुद को भी पता नहीं चलता है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हो चुका है
और वो बेचारा दो चार रोज तक जब तक उसका विल पावर मजबूत होता है, उसके शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति के बैक्टीरिया मजबूत होते हैं, वहां तक तो उसे भी पता नहीं चलता कि वो पॉजिटिव हो चुका है। उसके बाद उसे सर्दी खांसी छींक वगैरह जो कुछ भी सिस्टम है वो आना शुरू हो जाती है। तकलीफ ये है कि अगर इसमें गफलत रही तो वो फेफड़ों को ये वायरस ऐसा जकड़ लेता है कि आपको घर से अस्पताल जाने में अगर देरी हो गई तो आपका दम निकल सकता है। और हमने 3 से 4 लाशें ऐसी उठाई है कि वो घर से अस्पताल पहुंच पाए बेचारे, जिनकी एज 60 के आसपास थी, वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वेंटी तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते। ये सबसे बड़ा करुण सीन होता है और इस बात के लिए तमाम लोगों को जागरूक होना है दोस्तों। अगर हम ना हुए तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, और ये सरकार के फायदे के लिए नहीं, हमें अपने फायदे के लिए करना है। और मैं तमाम से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने घरों में रहे और दूरी बनाए रखे, बगैर जरूरत के बाहर ना निकले। बहुत बहुत जरूरी काम हो तो घर का एक सदस्य बाहर निकले और उस काम को निपटा कर फौरन आ जाए, और घर आने के बाद अपने आप को अच्छी तरह साफ कर ले, नाक मुंह और उसको सफाई कर ले, साबुन से हाथ धो ले। तो मैं समझता हूँ वहां तक इस वायरस से बहुत से लोग भी, पूरा देश बच सकता है। शुक्रिया अब्दुल भाई, हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी हमें radio@aajtak.com पर ईमेल करके बताएं। यदि आपकी नजर में कोई कोरोना से लड़ाई में फ्रंट लाइन पर है तो हमें जरूर बताएं, हम उनकी कहानी पेश करेंगे। फिलहाल मुझे यानी कि पूनम कौशल को दें अनुमति, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।